हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय झज्जर जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। हरियाणा के राज्यपाल का झज्जर जिले में पहुंचने पर जिला प्रशासन और ग्रामीणों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू ने पहले गांव बैरी में पहुंचकर माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद बैरी के नागरिक अस्पताल का दौरा किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जिले के गांव शेरिया में जन संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जो समस्याएं राज्यपाल बंडारू के सामने रखी, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी राज्यपाल ने आश्वासन दिया। पहले मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी बात है, हमारे अधिकारी कम बोले, हमारे अधिकारी कोई नहीं कर रहा। ग्राम पंचायत के सरपंच है, उन्होंने जो है इस मीटिंग को कंडक्ट करना चाहिए, मीटिंग को समावेश को उन्होंने लेना चाहिए। सरपंच ही गांव के सबसे बड़े हैं, तो अधिकारी लोग जो है कभी भी सरपंच को ज्यादा काम करने के लिए स्वतंत्रता देना चाहिए। और आप लोग कभी जो है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मीटिंग जो है जनता का मीटिंग है, ये सरकार का मीटिंग नहीं है, सरकार का मीटिंग नहीं है। इसलिए मैं सरपंच को मैं पहले कहूंगा, हमारे नीलम जी है जो सरपंच जीती है, उनको मैं पहले मेरे तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि एक महिला सरपंच बनना हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इसलिए मैं पहले हमारे सरपंच को मैं आह्वान करता हूँ कि पहले आप अपने विचार बताइए, आपके गांव के बारे में बताइए, बाद में मैं कुछ सवाल पूछूंगा, तो सवाल का जवाब आप लोग देना है। गांव में आकर आप सब लोगों का दर्शन लेना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपके बीच में रहते हुए गांव की समस्या क्या है ये जानने के लिए मैं आया, और मुझे बहुत ही खुशी लगा है गांव के बड़े लोग, छोटे लोग, महिला, इतने बड़ी संख्या में आप आकर मुझे स्वागत किए, आपको मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना देश का नाम है भारत देश। भारत देश जो है गांवों में रहती, भारत देश शहरों में नहीं रहती, इसलिए गांव ही हमारा देश का आधार है। गांव अच्छा रहा तो देश अच्छा रहेगा, गांव अच्छा रहे तो नहीं देश अच्छा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, ग्राम स्वराज बोल के बताए, एक दो साल पहले बताया उन्होंने, ग्राम स्वराज यानी अपने गांव के लोग अपने गांव को सुधारना चाहिए। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जो समस्याएं रखी थी उनमें कहा कि सरकारी स्कूल के पास में गंदे पानी का जोहड़ है, जिसकी सफाई न होने के कारण स्कूल के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं शेरिया गांव के ग्रामीणों द्वारा भी अनेकों समस्याएं हरियाणा के राज्यपाल के सामने रखी गयी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारत गांव में बसता है, अगर गांव ठीक होंगे तो भारत भी अच्छा होगा और देश तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द गांव के लोगों द्वारा जो समस्याएं रखी गई हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। झज्जर से सत्य खबर के लिए जगदीप राजन की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।